नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज नदियों से संबंधित दो लेक्चर में नदियों संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज बात करेंगे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बोर्ड पे मैंने टोटल 20 क्वेश्चन लिखे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और जो ऑप्शंस मैंने लिखे हैं उन ऑप्शंस में ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस भी लिखे गए हैं। 20 के नाम पे काफ़ी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ओके स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, जो उद्गम आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है यहाँ पर लिखा है। तो ऑप्शन है यमुनोत्री हिमनद, गोमुख, सतोपंथ हिमनद और चौरीबाड़ी। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर आपका यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। गोमुख उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख से किस नदी का उद्गम होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है। इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? गोमुख हो जाएगा। क्लियर। आगे लिखा है सतोपंथ हिमनद यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है। पिछला लेक्चर अगर आपने सभी देखा होगा तो निश्चित तौर पर सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, और अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर नहीं दिया इसका मतलब है कि आपने प्रॉपर इंटेंशन के साथ वीडियो नहीं देखी थी। किसी का भी कोई भी वीडियो आप देखिए, प्रॉपर इंटेंशन के साथ देखिए, जिससे कि उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आपसे हो सके। ओके ठीक, तो आगे लिखा सतोपंथ हिमनद वहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। ओके ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। किस नदी के तट पर प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? एक मंदिर और है ना, कौन सी? केदारनाथ। तो यहाँ पे मैं बद्रीनाथ लिखा हूँ। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन मंदाकिनी, अलकनंदा, महानदी, मूसी। इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर आपका हो जाएगा अलकनंदा। कौन सा? अलकनंदा। जबकि मंदाकिनी के नदी के तट पर क्या है? इसी के नदी तट पर केदारनाथ मंदिर है। याद आ गया ना, जो 2013 में त्रासदी आई थी, तो वही मंदिर से संबंधित है, मंदाकिनी नदी से संबंधित है। ओके, और आगे जो मूसी नदी है, इसी नदी के तट पे हैदराबाद शहर स्थित है। ओके आगे पढ़ते हैं। गंगा नदी की एक सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, ना कि पर्वत पहाड़ पठारों से नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र से होता है, तो आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन में लिखा है गंडक, कोसी, सॉरी, इसका सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से है। ठीक है, इसमें ऑप्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा, गंडक, कोसी, काली या शारदा नदी, जो यहाँ पे झेलम लिखा हूँ, तो मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली एक नदी कौन सी है? गोमती है। कौन सी है? गोमती नदी। तो आप आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? गोमती नदी। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? सारे ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पे। तो गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। क्यों? क्योंकि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिल जाती है, और उसके मिलने के पश्चात उसकी संयुक्त धारा गंगा और ब्रह्मपुत्र की पद्मा नाम से ही जानी जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, यहाँ पर चार ऑप्शन लिखे हैं, यमुना, चंबल। क्या यमुना चंबल से संबंधित है या नहीं? लोहित ब्रह्मपुत्र से संबंधित है या नहीं? गंगा, तीस्ता और सिंधु, श्योक। तो इसमें सिंधु की सहायक नदी श्योक नदी है, गंगा तीस्ता से संबंधित है या नहीं, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी है, जबकि गंगा तीस्ता संबंधित नहीं है। इसका मतलब कौन असत्य है आपका? गंगा और तीस्ता। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर, जो सिक्किम से निकलती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? अब बात आती है पूर्ववर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। वे नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं जिनका उद्गम कहाँ से?
हिमालय पर्वत तंत्र के उत्थान के या उसके निर्माण के पहले से है, अर्थात हिमालय पर्वत तंत्र का उत्थान होता रहा और उसके उत्थान को ये नदियाँ निरंतर रूप से काटती रहीं, ठीक है, अर्थात हिमालय पर्वत तंत्र के निर्माण के पहले से जो प्रवाहित हो रही नदियाँ, वे नदियाँ किसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, पूर्ववर्ती नदी का। या दूसरा किताबों में एक जगह और भी लिखा पढ़ने को मिलेगा आपको, जो नदियाँ हिमालय पर्वत तंत्र की तीनों श्रेणियों को, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, तीनों श्रेणियों को काटती हैं, वो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र बिल्कुल काटती है, सिंध बिल्कुल काटती है, सतलज बिल्कुल, इन तीनों ही किससे, तीनों हिमालय पर्वत तंत्र के उत्थान से पहले से प्रवाहित होती हैं, जबकि ब्यास नदी ऐसा नहीं करती, यह अर्थात ब्यास नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं, सुवर्णश्री नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, चंबल व कावेरी नदी। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, जिसमें इसका आंसर क्या है, ब्रह्मपुत्र। सुवर्णश्री, ध्यान से सुनेगा, सुवर्णश्री, धनश्री, कपिली, तिस्ता, मानस, ये सभी किसके, लोहित, और दिशांग, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, दिशांग किसकी सहायक नदी है, सभी ये किसके हैं, ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी हैं। एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था, तो हमारे सर ने भी मुझसे पूछा, एक क्वेश्चन आया था एक पेपर में, पगला दिया है ना आर्ट, पगला दिया नदी किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है, तो आप भी ढूंढिएगा, ठीक। तो इस तरीके से आगे पढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बड़ी नदी, तो आप यहाँ पे पढ़ते वक्त क्या करें, इसे ध्यान रखें, बड़ी नदी, लंबी नहीं, बड़ी नदी कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। आप सोच रहे हो अरे ये कैसे हो गया, देखो बड़ी नदी और लंबी नदी दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट है। बड़ी नदी अर्थात वे नदियाँ जिनकी नदी बेसिन ज़्यादा, मतलब विस्तृत हो, अर्थात जिसमें बहुत चौड़ाई तक जिसमें नदी का जल हो, इसका मतलब जिसमें जल का प्रवाह, जल ज़्यादा हो, उसी को क्या कहते हैं, बड़ी नदी कहते हैं। जबकि जो नदी लंबी दूरी तय करते हुए अपने डेस्टिनेशन में गिर रही हो, उसे लंबी कहते हैं। क्लियर। जैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी, जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, ये आप बताइएगा, ओके। तो इस तरीके से बड़ी और लंबी नदी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश में जमुना नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो बांग्लादेश में जमुना किस नदी को जाना जाता है, गंगा को, पद्मा के नाम से, तीस्ता नहीं, मेघना नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से, यमुना नहीं, जमुना नाम से जाना जाता है, क्लियर। और ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा से बांग्लादेश में मिल जाती है, तो उसकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है, तब कहलाती है पद्मा, और पद्मा आगे जाती है तब उसमें मेघना नदी मिलती है, तब मेघना के रूप में ही उसकी संयुक्त धारा आगे जा करके समुद्र में किस नदी के रूप में गिरती है, मेघना नदी के रूप में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, अब लंबी या सबसे बड़ी दोनों ही आंसर कौन सा है इसमें से, ताप्ती या तापी नदी, नर्मदा, साबरमती या माही नदी। तो सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है वो कौन सी है, नर्मदा है, ओके, कौन सी है, नर्मदा, जो अमरकंटक चोटी से निकलती है, ठीक। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है, आप अक्सर पेपर में पढ़ते वक्त पूरा पेपर नहीं पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, इतना पढ़ने के बाद आप आंसर टिक कर देते हैं और आकर के सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। आप ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा है नहीं, आप हैबिट में डाल लो, जैसे ही नहीं क्वेश्चन मिलेगा आपकी पेन वहाँ पर चलनी चाहिए, ऐसी हैबिट डाल लो, ठीक है, इस तरीके से गलतियाँ बिल्कुल कम हो जाएंगी। तो होने वाली नहीं है, तो देखिए कौन सी इसमें से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नहीं है, लूनी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल होती है ना,
तो जो कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है। माही, बिल्कुल यही तो है, जो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को दो बार कट करती है। याद आया? तो लेक्चर आप गौर से देखा करिए। पेरियार नदी केरल में है, यह भी पश्चिम की ओर प्रवाहित करती है, यह भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जबकि वैगई नदी बिल्कुल नहीं, यह किधर, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका मतलब ये पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। तो आपका आंसर नहीं कौन है, तो वैगई हो गया। निम्न में से कौन सी, अब बारहवां देखते हैं, निम्न में से कौन डेल्टा का निर्माण नहीं बल्कि, देख रहे हैं ना, अलग पेन से लिखा हूं, निर्माण नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है, तो कौन सी है? महानदी। महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, कहाँ पे? कटक के निकट उड़ीसा में, इसलिए ये गलत है। कृष्णा, कृष्णा भी आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी, कावेरी भी डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं बल्कि किसका, एस्चुरी का निर्माण करती है। अर्थात नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगर एस्चुरी मैं आपको समझाऊं तो थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा, जैसे कोई भी इस तरीके का समुद्री तट हो और इस तरीके से नदी यहाँ से होकर के आ रही हो, प्रवाहित होती हुई, यहाँ पर ढलान, ढलान इस तरीके से नर्मदा और ताप्ती का है, परंतु यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, कुछ ऐसा है। अब यह नदी यहाँ से आकर के जब गिरती है तो काफ़ी नीचे आकर के गिरती है, जो अवसाद अपने रास्ते में लाती भी है, ठीक है, वह ऊंचाई से, समुद्र से इसके मुहाने के बीच में ऊंचाई होने के कारण ये अवसाद नीचे गिरते हैं, और समुद्र, समुद्र अपनी ओर लहरों के माध्यम से क्या कर लेता है, खींच ले जाता है, इस अवसाद को यहाँ जमा होने नहीं देता, इसीलिए डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता। तो जिसका निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं, एस्चुरी, या हिंदी में से क्या कहते हैं, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, ज्वार नद मुख। क्या बोलते हैं? ज्वार नद मुख। इसका मतलब ज्वार जिसके मुख को प्रभावित करता है, तो ज्वार के माध्यम से अवसादों को समुद्र अपनी ओर खींच ले जाता है, क्योंकि ऊंचाई पे गिरने के, ऊंचाई से गिरने के कारण। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आगे पढ़ते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर या किस नदी द्वारा निर्मित है, ठीक है, तो आपको मैं पढ़ाया था, ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं, किस नदी पे है, ताप्ती, नर्मदा या स्वर्ण रेखा, कावेरी, किस पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर, जबलपुर के भेड़ा घाट नामक स्थान पर नर्मदा नदी के द्वारा सुंदर एक जलप्रपात, किस पे, सफेद संगमरमर पर एक जलप्रपात का निर्माण किया गया है, उसी को क्या बोला जाता है, धुआंधार जलप्रपात। अर्थात किस नदी से संबंधित है, किस नदी द्वारा बनाया गया, नर्मदा द्वारा। कहाँ बनाया गया, भेड़ाघाट जबलपुर में, ओके। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, ये तो बहुत जानते होंगे, बट अभी भी एक पेपर में आया भी था, ठीक है। नर्मदा, बिल्कुल नहीं, ताप्ती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती या तापी नदी। तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तापी, ओके। गोवा की राजधानी, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक, तो मांडवी, पेरियार, सरावती, ताम्रपर्णी। तो मांडवी या जुआरी नदी, मांडवी या जुआरी नदी के तट पर ही कौन सा शहर स्थित है, गोवा की राजधानी पणजी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी के अमरकंटक चोटी से होता है, तो नर्मदा, ताप्ती, जल्दी बताइए, दो ऐसी नदियां मैंने आपको पढ़ाया था डायग्राम बना करके, है ना, एक उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और एक पश्चिम की ओर, दोनों ही बड़ी नदियां हैं और दोनों का उद्गम एक ही स्थान से होता है, कहां से, मैकाल के अमरकंटक चोटी से, बताइए कौन सी नदी है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यहां पर, इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। लेकिन दो नदियां कौन कौन सी थी, एक सोन नदी और एक कौन सी, एक आपकी नर्मदा नदी। दोनों ही नदियां
मैकाल सिरडी, मध्य प्रदेश के मैकाल सिरडी के अमरकंटक चोटी से ही निकलती हैं। ओके, निम्न में से अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अरब सागर, कहाँ पे अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। फिर से आपको हैबिट में डालना है कि नहीं को आप क्या करें, पेन जरूर चलनी चाहिए। पेरियार, नर्मदा, साबरमती, ब्राह्मणी, जल्दी बताइए। ठीक है, तो नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, पेरियार, मांडवी, सरावती, ये सारी की सारी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, जिसमें लूनी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है परंतु अरब सागर में नहीं गिरती, वह मैदानी क्षेत्र में ही समाप्त हो जाती है। बाकी शेष क्या है, कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अर्थात इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैदानी क्षेत्र में समाप्त या बिलिनिया अंतर्मग्न होने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। अभी भी तो मैंने आंसर बता ही दिया, तो आपकी कौन सी, लूनी नदी ऐसी है जो कहीं पे समुद्र, सागर, झीलों, इन सभी स्थानों पे नहीं गिरती, बल्कि मैदानी क्षेत्र में जाकर के क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कच्छ के रण क्षेत्र गुजरात में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी भिन्न है, क्या है भिन्न है, आइए देखते हैं कौन सी भिन्न, गंगा, कृष्णा, कावेरी, पेरियार। अगर अच्छे से सुना होगा आपने यहाँ पर अभी, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अर्थात कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, मैंने ऐसा बताया, बाकी शेष क्या है, देख रहे हैं ना, गंगा, कृष्णा, कावेरी, सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। बाकी पेरियार नदी का अभी जिक्र किया, तो किधर गिरती है, केरल में, कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, भिन्न कौन सी है, पेरियार, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ओके, अगला क्वेश्चन और आखिरी देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड व नेपाल, उत्तराखंड व नेपाल के मध्य, अर्थात उत्तराखंड भारत व नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, रामगंगा, जो कहाँ से, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से निकलती है, ठीक है, तो वो नहीं बनाती, काली या शारदा, कोसी नदी नेपाल से निकलती है सप्तकोसी अरुण कोसी के रूप में, वो भी नहीं बनाती, ठीक है, जो बिहार का शो कहलाती है, तो वहाँ कहाँ, उत्तराखंड है, महानंदा गंगा की सबसे पूर्व की ओर मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है महानंदा, ये भी नहीं है, तो कौन सी है, हो गई आंसर आपका, कालिया शारदा। कभी कभी आंसर आपसे पूरी तरीके से पढ़े पढ़ाए नहीं आएंगे, तो उन्हें हमें क्या करना है, जो हमने पढ़ा है उसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो उसे कट कर लेंगे, उसके बाद में शेष में हम लोग आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो कौन सी है, कालिया शारदा नदी, ठीक है, तो ये क्या है, भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। ओके, तो अगला कुछ 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है, शेष नदियों के संबंधित, ठीक है, अगर आपको बेहतर लगता है दिन आप जरूर लाइक, और एक नदी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भारत विश्व की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है, बड़ी तो मैंने बता दिया अमेजन, जबकि सबसे लंबी नदी कौन सी है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ठीक, थैंक यू क्लास।